पर नहीं है, इस तरीके की चीजें हैं। तो आपका ये वाला जो पॉकेट है पूरा, यहाँ पर गन्ना कम है। तो जहां तक मुझे है कि भाई गन्ना अगर कम है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आप लोगों ने, आप लोग गन्ना नहीं करते, या हो सकता है कुछ लोग गन्ना करते हो, चार पांच साल पहले लोगों ने गन्ना छोड़ा हो, कुछ ये भी हो सकता है, कुछ लोगों पहले करते रहे हो, बीच में छोड़ दिया हो। तो गन्ना छोड़ने का या फिर गन्ना ना करने का, क्योंकि खेती आपके पास में है, खेती इस वजह से है कि आप सब चाहते हो कि इसमें मुझे दो पैसा मिले। ऐसा कोई नहीं करता कि इसमें कोई फसल लगाए उससे आमदनी ना हो, हर आदमी आमदनी के लिए करता है, चाहे गन्ना लगाए, धान लगाए, गेहूं लगाए, या कोई सब्जी की फसलें लगाए, कोई भी चीजें आप लगाते हो दो पैसे आमदनी के लिए। कोशिश ये रहती है कि जो खेत में हमने कोई फसल बोई है इससे मुझे आमदनी हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ये उद्देश्य रहता है। या तो आपके पास में कोई ऐसी फसल होगी गन्ने के अलावा, कोई ऐसी फसल होगी जिससे आपको ज्यादा आमदनी होती होगी, आप इस वजह से तो गन्ना नहीं लगाएगा। ये मेरे पास कोई ऐसी फसल है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में ऐसी फसल होगी जो गन्ने से ज्यादा आपको आमदनी देती होगी, जो आपको निश्चिंत हो गए कि भाई मैंने ये फसल लगा दिया, लगाने के बाद ये फसल मेरी जो लागत है उस लागत से ज्यादा पैसा देके जाएगी। और कोई भी दैविक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, ओला आ जाए, पाला पड़ जाए, जल जाए, फिर भी मुझे ये पैसा देके जाएगी। शायद हो सकता है आपके क्षेत्र में ऐसी फसल हो, इसी कारण गन्ना कम है। क्योंकि मुझे जो जहां तक है कि लगभग 20 साल से ज्यादा मेरी नौकरी हो गई, 22 साल की हो गई लगभग, मैंने जिन जिन चीनी मिलों में रहा हूं, अगर चीनी मिल पेमेंट बढ़िया कर रही है और चीनी मिल समय तक चलती है, चीनी मिल को गन्ने की आवश्यकता है, तो वहां कभी गन्ने की कमी नहीं रहे, कभी कभी कमी नहीं रहे, और गन्ने पर गन्ना है। ज्यादातर मेरी नौकरी पश्चिम यूपी की है, रहने वाला जरूर पूरकता हूं, लेकिन नौकरी मेरी पश्चिम की है। पश्चिम में बहुत सारी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते भी होंगे, पूरा बजाज ग्रुप है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, एक इस साल का अगले साल होता है, इस साल का अभी आधा भी नहीं हुआ। मोदी ग्रुप है, उनका पेमेंट नहीं हुआ। सिंहावली ग्रुप है, उसका पेमेंट नहीं हुआ। मोवाना ग्रुप है, उसका पेमेंट नहीं हुआ। मतलब जितनी चीनी मिले पश्चिम यूपी में है, लगभग आप मान के चलिए 50% चीनी मिले ऐसी है जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहां कभी गन्ने का रकबा देखिएगा जाकर के, 90% से ज्यादा गन्ना रकबा मिलेगा, 90% से ज्यादा पेमेंट नहीं है, फिर भी 90% से ज्यादा गन्ना। हम यहां पर जितना पेमेंट हम जैसा करते हैं समय से, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ चार पांच चीनी मिले ऐसी होंगी जो हमारे बराबर पेमेंट करती है, कोई नहीं कर पाता जिस स्पीड से हम पेमेंट करते हैं। तो चार ही पांच चीनी मिले यूपी के अंदर है।